हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में सेमेस्टर वन वाले स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना दिया जाने वाला है, क्योंकि बीवीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे मींस बीवीयू के तरफ से एक ऑफिशियल सूचना आया है। वो किसके लिए? तो सेमेस्टर वन वालों के लिए कि सेमेस्टर वन का जो एग्जामिनेशन है वो फिर से क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है। मीन्स फिर से एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया है। जो एग्जाम वोटिंग के कारण, इलेक्शन के कारण जो रद्द हुआ था और फिर से जो चालू हुआ था, वो एग्जाम जो है ना आपका फिर से क्या होता है, रद्द होता है। तो आखिर किन किन विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन रद्द हुआ है और कब से जो है ना एग्जामिनेशन रद्द हुआ है, चलिए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं और बेहतर से जानने का प्रयास करते हैं। और आप लोग को देखना क्या है, बेहद जरूरी है, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो छूटे ना, ठीक है। और देखिए, ये जो एग्जामिनेशन रद्द हुआ है ना, वो कुछ ही स्टूडेंटों का एग्जामिनेशन रद्द हुआ है ना, तो आप लोग जान के रखिए कि किन किन विद्यार्थियों का जो एग्जामिनेशन है वो रद्द हो चुका है, क्योंकि अगर ये नहीं देखोगे ना, हो सकता है आपका एग्जामिनेशन में छूट जाए। फिर हम लोग इस पर ये भी जानेंगे कि उसका एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन रद्द हो गया, ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन कब होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो चीज़ भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो में जो है ना बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के विद्यार्थियों के लिए सूचना होने वाला है। उसके साथ साथ जो ऑल सेशन वाले विद्यार्थी थे उन लोगों के लिए भी ये सूचना होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सूचना है वो सेमेस्टर वन वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये पेपर देखते हैं, ये नोटिस देखते हैं कि आखिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तरफ से क्या नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे देख ही रहा होगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, मीन्स ये जो नोटिस है आपका किस के कहाँ से आया, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से आया, और इसमें जो है ना परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना दिया हुआ, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि एदर द्वारा यूजी सेमेस्टर वन सेशन 2022-26 जो ऑल सेशन वाले थे, यूजी सेमेस्टर वन 21-24 जो स्पेशल एग्जामिनेशन दे रहे थे, है ना, और जो 23-27 वाले जो विद्यार्थी थे उन लोगों को एक सूचित किया जाता है, मीन्स उन लोगों को ये सूचना दिया जाता है कि आपका जो 18-6-2024 को जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं थी, मीन्स 18 तारीख को जो एग्जामिनेशन था, ठीक है, वो एग्जामिनेशन क्या होता है, रद्द होता है, ठीक है। वो दोनों पाली का, चाहे वो फर्स्ट पाली का हो चाहे वो सेकेंड पाली का हो, दोनों एग्जामिनेशन क्या होता है, रद्द होता है, ठीक है। क्यों रद्द होता है तो पता नहीं क्यों रद्द होता है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो एग्जामिनेशन थे, जो 18 तारीख का जो एग्जामिनेशन था आपका, वो क्या होगा, मीन्स अनिवार्य कार्यों के कारण जो है ना वो एग्जामिनेशन आपका रद्द हो गया। अब देखिए, रद्द तो हो गया, मीन्स 18 तारीख का जो एग्जामिनेशन था वो तो रद्द हो गया, ठीक है, हम लोग मान गए। लेकिन कहा जाता है कि अब यह जो परीक्षा है ना वो 1-7-2024 को लिया जाएगा, मीन्स ये जो एग्जामिनेशन है जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, ये जो एग्जाम है वो कब लिया जाएगा, तो 1-7-2024 मीन्स 1 तारीख 7वां महीना को लिया जाएगा। कब? 1 तारीख 7वां महीना को ये जो एग्जामिनेशन है वो लिया जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा ये एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो ठीक है, 18-6-2024 को जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन ना होकर के वो एग्जाम कब होगा, तो 1-7-2024 को वो एग्जाम होगा। कब होगा? 1-7-2024 को ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 18-6-2024 को जिसका भी इसका एग्जाम है वो एग्जाम कैंसिल हो गया है, और उसका एग्जाम कब होगा, 1-7-2024 को उसका एग्जाम होगा। तो ये जो वीडियो था, ये जो नोटिस है, उसमें बस इतना ही बातें बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जिसका भी एग्जामिनेशन 18-6-2024 को था, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में था चाहे वो सेकेंड सिटिंग में था, सबका एग्जामिनेशन जो है ना वो कब होगा, अब 1-7-2024 को होगा, ठीक है। बस 18 तारीख वाले स्टूडेंटों का, बाकी आगे जो एग्जामिनेशन थे चाहे वो 20 तारीख का हो, चाहे वो 22 तारीख का हो, चाहे वो 21 तारीख का हो, सबका एग्जामिनेशन जो है ना वही डेट में होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कोई नोटिस था वो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।